शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन आंतरिक एवं बाह्य रूप से कई गतिविधियां देखने को मिली, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज शीतकालीन सत्र का जो है पांचवा दिन है, तो हम लेकर आए हैं, मैं हूं मनीष और यह है प्रकाश। आज हम लेकर आए हैं शीतकालीन सत्र का पांचवे दिन का पूरे दिन का ब्यौरा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रकाश कि आप जो है पांचवे दिन के जो है शीतकालीन सत्र के सदन की आंतरिक तस्वीरों का जो है दर्शन जनता को दिखाए। मनीष, आज महत्वपूर्ण विषय ये रहा कि राज्य में जो है ड्रग माफिया काफी बढ़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जो है सदन में सवाल पूछे हैं, कई सवाल उपस्थित किए। सबसे पहले जो है सुनील प्रभु ने इस विषय पर प्रश्न उपस्थित किया, बाद में पोडियम में आकर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रग्स माफिया का काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, इस पर राज्य सरकार ने जो है काबू पाना चाहिए और जो बढ़ रहा है ड्रग माफिया उसको खत्म करना चाहिए। इसी के साथ नितेश राणे ने जो है इस विषय को काफी गंभीरता से उठाया है, खासकर उन्होंने नाशिक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नाशिक में ये जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है, व्यापारी होटल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक के लोग जो है इस बिजनेस में ज्यादा है, वो होटल इंडस्ट्री का सहारा लेकर नाशिक में यह व्यवसाय बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। 11:30 बजे तक ये बिजनेस शुरू रहना चाहिए, मगर होटल इंडस्ट्री है 2-2 बजे तक शुरू रहती है, जिसके आड़ में कुछ लोग ड्रग्स का व्यापार करते हैं और इस तरह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उन्होंने खासकर गृह मंत्रालय से विनती की है कि गृह मंत्रालय इस पर ध्यान दे और ये इस तरह के माहौल पर अपनी जो पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की जाए ताकि युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद ना हो। और इसी के साथ जो है दिल्ली की जो घटना है, जो लोकसभा में हुआ है, जो अश्रु गैस या विषारी वायु के गोले जो है सदन में फोड़े गए, इस विषय को जो है पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने विशेषता से सभागृह में उपस्थित करते हुए उन्होंने सभागृह का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में ना हो, इसीलिए सरकार ने जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। उनकी मांग भी जो है अध्यक्ष ने मान ली है और खास तौर पर सदन में उसी दौरान जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई। उसी के साथ जो है कल से एक विधायक के पीछे सिर्फ 2 ही लोग सदन में आ सकते हैं, इस तरह की पाबंदियां और कुछ और सूचनाएं सुरक्षा विभाग को दी गई है। और कल जो माहौल है काफी तगड़ा दिखाई देगा, सुरक्षा काफी तगड़ी दिखाई देगी सदन में, जो लोगों की गर्दी कम की कर दी जाएगी। साथ ही जो पोडियम के पास की और अन्य जगहों की जो खाली जगह दिखती थी पहले, जो अभी भरी हुई लोगों से भरी हुई रहती है, उसे भी खाली कर दिया जाएगा, लोगों की भीड़ काफी कम दिखेगी। इस तरह का पूरा माहौल जो था इस दरमियान देखा गया। मनीष, तो दर्शकों, जिस प्रकार से प्रकाश ने बताया कि जो आंतरिक तस्वीरें में है, ड्रग्स माफिया का मुद्दा उठाया गया, सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया, उसी प्रकार से जो है बाह्य तस्वीरें हम देखें तो बाह्य तस्वीरों का आपको दर्शन दिखाया जाए तो युवा की बात जैसे कि प्रकाश ने की है, युवाओं ने जो है बड़ी मात्रा में आज मोर्चे निकाले। संगणक जो कर्मचारी है उन्होंने मोर्चे निकाले, जिनकी मांग है कि उनका जो है सरकारी कोटे से उन्हें पेमेंट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसी को इशारा करता है कि उनका जो पद है वो भी सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं तब्दील होने किया जाए। साथ ही साथ सीएमआरसी महिलाओं ने भी इस वक्त मोर्चा निकाला कि उनकी मानधन में बढ़ोतरी हुई। उनका कहना है कि जो है जो निधि उन्हें सरकार की तरफ से मिलता है, जो निधि उन्हें मिलता है उसमें उसका उनका परिवार का गुजारा नहीं होता, जो कि बहुल मात्रा में नहीं है, और बोल सकते हैं वह संतुष्ट नहीं इस चीज से, जिसको लेकर जो है काफी अच्छी तरह से उन्हें सांस्कृतिक गीत गाते हुए और जो बोल सकते हैं गीत प्रबोधन द्वारा जो है उन्होंने आज मोर्चा निकाला था। साथ ही साथ उन्होंने अपनी विभिन्न मांगे रखी और बात की जाए तुलनात्मक रूप से तो आज जो है पांचवें दिन के शीतकालीन सत्र के अधिवेशन के तौर पर 16 मोर्चे निकाले गए थे, जिनसे तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जो है लहूजी सेना द्वारा, मातंग समाज द्वारा जो मोर्चा निकाला गया था, उनकी मांगे थी कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है अब कड़ में वर्गीकृत किया जाए। साथ ही साथ जो है वर्गीकरण के जो प्रणेता है खंडारे, उनका भी जो है उनको भी जो है कुछ सहूलतें दी जाए। साथ ही साथ अन्ना भाऊ साठे
जो कि लोकशाही अण्णा भाऊ साठे है उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर जो है मुंबई विद्यापीठ को उनका नाम दिया जाए, ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने जो है आज जो है मोर्चा निकाला था। साथ ही साथ जो है बात की जाए सुरक्षा की, तो जिस प्रकार से विधान भवन की आंतरिक सुरक्षा पुख्ता इंतजाम जो है आज किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम जिस प्रकार से आंतरिक जो माहौल में किया गया है वैसे ही जो है बाह्य माहौल में भी पुलिस यंत्रणा सजग है, किसी प्रकार की जो है अप्रिय घटना ना हो इसका पूरी तरह से जो ध्यान दिया है। प्रकाश, जैसा कि आपको पता है कल संघर्ष यात्रा के दौरान जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से जो है बोल सकते हैं रेलचेल हुई, उसके बाद जो है आज पुलिस यंत्रणा भी काफी सजग है कि किसी भी प्रकार से जो है अप्रिय घटना ना हो, साथ ही साथ जो है लाठीचार्ज की जो है बारी ना आए, इस प्रकार से जो है मोर्चों का ब्यौरा आज हमने लिया है। मनीष, अभी तक जो है विधायक अपात्रता के मुद्दे पर जो कार्रवाई चल रही थी वो अभी कुछ दिनों से चल रही है, जो गुरुवार तक अभी जो है सभी जो इसमें विधायक है वो लेखी प्रकार तरीके से जो है अपने जवाब अध्यक्ष की तरफ देंगे, उसके बाद जो है अंतिम सुनवाई की जाएगी, उसका रिजल्ट क्या आता है ये तो भविष्य में ही देखने को मिलेगा, मगर फिलहाल ये कार्रवाई इस तरह से चल रही है जो गुरुवार तक से सभी जो आमदार है जो इस मामले में है वो अपना लेखी जवाब जो है अध्यक्ष के पास दर्ज कराएंगे, उसके बाद अंतिम जो कार्रवाई है वो अध्यक्ष करेंगे। 30 तारीख तक शायद ये कार्रवाई चलेगी। रोहित पवार ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है कि अध्यक्ष जो है अपने पद का इस्तीफा देंगे और यह कार्रवाई यही रुक जाएगी, मगर इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष के नेताओं ने सरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि रोहित पवार कोई भविष्यवक्ता नहीं है, जिस तरह से भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं। मनीष, जिस प्रकार से देखा जाए प्रकाश, तो शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आ चुका है, मुद्दे काफी गंभीर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध होता है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है, सत्ता पक्ष निरंतर जो है विपक्ष के जो है इंतजाम जो है इल्जाम झेल रहा है और विपक्ष इल्जाम किए जा रहा है, साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप अल्फाजी प्रहार कड़ा प्रहार बोल सकते हैं किया जा रहा है। बात की जाए जैसे कि आपने विधायक अपात्रता सुनावनी की बात की है, उदय सामंत ने स्पष्ट किया है कि अपने बयान में उदय सामंत ने जो बताया कि ये जो है सरकार का जो महागठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही होना था, ऐसे उद्धव ठाकरे ने बोला उस समय, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है, लेकिन जो है वो खुद के वादे पे जो है कायम नहीं रहे और महाविकास आघाड़ी उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ जाने का जो है महाविकास आघाड़ी के साथ हो गए और साथ ही जो वादा जो उन्होंने अपने विधायकों से किया था उससे हम नाराज थे, ऐसा भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण दिया है। तो जो है साथ ही साथ जो है सरकार के कामकाज में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि 31 दिसंबर तक जो है इस आमदार अपात्रता सुनावनी का भी रिजल्ट लगाना है, साथ ही साथ शीतकालीन सत्र का भी काफी बड़े बड़े मुद्दे हैं, आरक्षण है, साथ ही साथ किसानों का नुकसान है और काफी छोटे मोटे बड़े जो मुद्दे हैं वो अभी आगे आ रहे हैं, साथ ही साथ जो है मोर्चे के प्रतिनिधि निरंतर सरकार से मिल रहे हैं और देखा जाए तो एक आरोप भी जो है वडट्टीवार की प्रेस में एक बंजारा समाज के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया था, जो कि वडट्टीवार ने भी इस विपक्ष नेता वडट्टीवार ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि जो है सरकार के मंत्री इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो देखते हैं आगामी जो है 20 तारीख तक, आज 5वां ही दिन है, 20 तारीख तक जो है शीतकालीन सत्र चलने वाला है, तो देखते हैं आगे किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, किस प्रकार से जो है मोर्चे आते हैं। मनीष, पिछले चार दिन थे वो हंगामेदार रहे हैं, 5वां दिन भी काफी अच्छा रहा, अपात्र आमदार की जो सुनावनी है वो फिलहाल चल रही है, इसी के साथ आज का दिन फिलहाल तो ढल गया है, मगर सदन फिलहाल चल रहा है अपात्रता की कार्रवाई पर, ये दिन भी इसी तरह जो है हंगामेदार रहा है, शायद कल का दिन और ज्यादा हंगामेदार रह सकता है, काफी मोर्चे है कल भी और देखेंगे कि कल क्या होता है, आप भी देखते रहिए। आपके ही सवाल आपके ही जवाब, हर पल की खबर हर पल की अपडेट के लिए देखते रहे NBC न्यूज, शीतकालीन सत्र की हर पल की अपडेट हम देते रहेंगे NBCN के माध्यम से, धन्यवाद, नमस्कार।